और मनीषा जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, उनको ठंडा ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। आइए आपको दिखाते हैं मनीषा जी को, वो ऊपर हम लोग किसी दर्शन को ले गए देखिए, और उसके बाद नीचे आके वो बैठ गई हैं। उल्टी उल्टी भी उनको हो रहा है, ठंडा होने लग गया मनीषा जी को। आइए आपको दिखाते हैं बैठी हुई हैं। ठीक हो? तो इनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इनको ठंडा ज़्यादा लग रहा है और उल्टी उल्टी भी हो गया, पेट दर्द कर रहा है इनको, और इनका यहाँ पे थोड़ा सा मन नहीं लग रहा क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो हालांकि हम लोग सभी लोग नाथुला पास देखे, घूमे, पास से अच्छे से देखे, विजिट किए, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों हम लोग को यहाँ पे। और अब निकलते हैं क्योंकि 3:30 बज गया है हम लोग को, अभी बाबा मंदिर भी जाना है उधर, उसके बाद फिर वापस हम लोग को गैंगटॉक निकलना है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों पिछला वीडियो हम यहीं पे समाप्त किए थे, ये है छांगू लेक, और छांगू लेक का हमने पूरा वीडियो आपको शेयर किया, और आज हम निकलेंगे छांगू लेक से आगे जो है कि नाथुला पास के लिए। तो दोस्तों हम लोग आगे निकल गए हैं, और ये देखिए बॉर्डर रोड भी स्टार्ट हो गई है, और ये इंडिया और चाइना के करीब हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं बॉर्डर पे। और दोस्तों मौसम तो बहुत ही खुशमिजाज हो गया है, बारिश हो रही है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ठंडी भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, और सभी लोग जैकेट, स्वेटर, मूफलर पहने हुए हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों ऐसे मौसम में, क्योंकि हम लोग अभी घर से निकले हैं यूपी में, जो है कि काफ़ी गर्मी है हमारे यहाँ दोस्तों, 45-46-47 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पर तो ऐसा लगता है दोस्तों कि माइनस में टेम्परेचर आ जाएगा, इतना ठंडा हम लोग को लग रहा है। और मज़ा आ रहा है दोस्तों हम लोग को, उतना अभी हम लोग वो नहीं ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ठंडी का, क्योंकि गर्मी से आए हैं। और यहाँ का खूबसूरत लोकेशन तो वाकई में ही मन मोह ले रहा है, आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए गैंगटॉक में, और यहाँ के सारे साइट सीन आप कीजिए। तो देखिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये देखिए हम लोग कार में कितने लोग हैं, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं चलाने में गाड़ी, और पीछे जीजा जी, दीदी, बच्चे और मनीषा जी भी हैं। मनीषा जी तो अभी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन आगे जाके उनकी थोड़ी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और ये देखिए कोहरा, धुंध, क्योंकि बारिश है, और पहाड़ों पे ऊंचाई पे दोस्तों बादल हमेशा घिरे रहते हैं। और ये देखिए गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं हमारे आर्मी जवानों की, और ये रहा दोस्तों सामने आपके चेक पोस्ट, और ये रास्ते में 3-4 जगह पड़ते हैं जहाँ पे हमें अपना परमिट दिखाना पड़ता है, आईडी दिखानी पड़ती है, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है। और ये करीब दोस्तों हम लोग आ गए हैं नाथुला पास के पास, अब हम लोग आ गए हैं, और यहीं पर हम लोग उतर जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, नीचे पार्किंग में गाड़ी लग जाएगी, और ऊपर हमें पैदल ही जाकर साइट सीन घूमना होगा, पूरा देखना होगा। और हमारे ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि आप जो है कि हमारे गाड़ी का नंबर वंबर फ़ोटो खींच लीजिए, और हम नीचे रहेंगे पार्किंग में, आइएगा नीचे घूम के खोज लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं लगेगा तो हम मोबाइल से फ़ोन नहीं कर पाएंगे, और गाड़ी नंबर रहेगा तो हम अपनी गाड़ी को पहचान जाएंगे। मनीषा जी देखिए हम लोग अब उतर रहे हैं गाड़ी से, नाथुला आ गई, नाथुला आ गए, इनको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, साल ओढ़ ली, कानून में साल ओढ़ लीजिए, कानून में साल ओढ़ लीजिए। नहीं। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं नाथुला पास के पास, और ये देखिए यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, और ये यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, ये देखिए टैंक का नज़ारा। दोस्तों हम लोग नाथुला पहुँच गए हैं, और यहाँ से नाथुला जो है कि पास है, और यहीं से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ जो चाइना बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर है। ये देखिए काफ़ी धुंध है, बादल पूरे छाए हुए हैं, और यहीं से देखिए मेन गेट है ये, आइए आपको ले चलते हैं हम लोग। Thank you.
मनीषा को बहुत ठंडी लग रहा है, मनीषा जी की हालत खराब है नाथुला पास में आके। ये देखिए दोस्तों, सामने से कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितनी गाड़ियां यहां पर आई हुई हैं और बहुत सारे पर्यटक दोस्तों यहां पर घूमने के लिए आए हैं। काफ़ी भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे। जून का मौसम है दोस्तों, 5 जून है आज और काफ़ी अच्छा मौसम है दोस्तों। इस समय लोगों की छुट्टी रहती है और लोग घूमने भी काफ़ी मात्रा में आते हैं यहाँ पर। दोस्तों नाथुला पास हम लोग देख लिए हैं और देख के रिटर्निंग हो रहे हैं। वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग मोबाइल नहीं ले गए हैं पूरी तरीके से, जो कि जो सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल वहाँ अलाउ नहीं है। तो हम लोग भी मोबाइल ले गए थे लेकिन मोबाइल वहाँ पे चालू नहीं किए हैं। और मनीषा जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, उनको ठंडा ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं मनीषा जी को, वो ऊपर हम लोग किसी दर्शन को ले गए देखी और उसके बाद नीचे आके वो बैठ गई हैं। उल्टी उल्टी भी उनको हो रहा है, ठंडा होने लग गया मनीषा जी को। आइए आप बैठे हुए हैं। ठीक हो? तो इनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इनको ठंडा ज़्यादा लग रहा है और उल्टी उल्टी भी हो गया, पेट दर्द कर रहा है इनको और इनका यहाँ पे थोड़ा सा मन नहीं लग रहा क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो हालांकि हम लोग सभी लोग नाथुला पास देखे, घूमे, पास से अच्छे से देखें, विजिट किए, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों हम लोग को यहाँ पे। और अब निकलते हैं क्योंकि 3:30 बज गया है हम लोग को। अभी बाबा मंदिर भी जाना है उधर, उसके बाद फिर वापस हम लोग को गैंगटॉक निकलना है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अब हम लोग वापस जा रहे हैं नाथुला पास। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से घूम लिया, सभी लोग घूमे। मनीषा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी लेकिन उन्हें भी हम लोग ले गए और पूरा अच्छे तरीके से दिखाएं। और ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बाबा हरभजन मंदिर जा रहे हैं। ये तीनों सीन दोस्तों, साइड सीन एक ही साथ पढ़ते हैं। जब भी आप यहाँ के लिए परमिट बनवाएंगे नाथुला पास के लिए, तो छांगू लेक, बाबा हरभजन मंदिर और ये नाथुला पास, तीनों चीज़ें दोस्तों आपकी एक ही में इंक्लूड रहेगी टूर पैकेज में। और तीनों आस ही पास में है दोस्तों, रास्ते में तो छांगू लेक ही पड़ जाएगा और बाबा हरभजन मंदिर जाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता कटा हुआ है, आपको वहां भी जाना पड़ेगा। दोस्तों नाथुला पास की जो ऊंचाई है 14,140 फीट की ऊंचाई पर ये है और काफ़ी ऊंचाई पर है दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी दिक्कत कुछ लोगों को महसूस होने लगती है, जो लोग सांस के मरीज हैं उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर देखे कि कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं और एक आध दो बच्चे भी थे जिनको ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई। हालांकि दोस्तों हम लोग के साथ ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और ये देखिए सामने आपकी ये जो लेक है, ये मंगू लेक है। दो लेक दोस्तों, अभी हम लोग जो रास्ते में थे वो छांगू लेक था और इधर से जाते हुए एक लेक और पड़ गया। और दोस्तों रास्ते में जाम लग गया है, सिंगल रूट है और बारिश के वजह से थोड़ा रास्ता भी ख़राब हो गया है। और देखिए इधर हमारी आर्मी की जो बस है एक साइड में लगी हुई है और एक साइड से हम लोग जा रहे हैं और जाम लग गया है दोस्तों। एक जगह पुलिया है आगे, सिंगल है रोड कटा हुआ है, वहीं से जाम लग गया है। तो अभी हम लोग को थोड़ा करना पड़ेगा इंतज़ार, जैसे ही जाम खुलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों जाम धीरे धीरे खुल गया है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारिश भी होने लगी है इस समय और हम लोग, मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बाबा हरभजन मंदिर, हम लोग पहुंच गए हैं और जल्दी जल्दी सभी लोग भाग रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है। आपको देखिए मैं कैंपस का नज़ारा दिखा दे रहा हूँ, ये चारों तरफ से देखिए बाहर घाटियाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही है। और ये है मेन गेट जो हम आपको दिखा नहीं पाए बारिश की वजह से, ये है। और ये है मंदिर बाबा हरभजन सिंह का, ये मंदिर है
काफ़ी सुंदर मंदिर है दोस्तों, साफ सुथरा और लाइटिंग की गई है। और ये देखिए उनके बारे में ये शिलापट्ट है जिस पर पूरा विस्तार से इनकी हिस्ट्री लिखी गई है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसे पढ़ लेते हैं और आए हैं तो बाबा हरभजन सिंह का दर्शन भी करेंगे और प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। तो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके चलेंगे, उनके दर्शन होंगे। दोस्तों मनीषा जी की बात करूं मैं तो वो जो है कि गाड़ी में ही बैठी हुई हैं, उल्टी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो फौजी भाई लोग हैं वो दवा भी दे रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ से उनके लिए दवा लिया और वो दवा खाई और उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। सामने दोस्तों ये कैफ़े है, कैंटीन है, हम लोग वहाँ जाते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। बारिश हो ही रहा था तो बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों गर्मा गर्म चाय पीने में। और सबसे बड़ी ख़ास बात है दोस्तों यहाँ पर जो कैंटीन है सारे फौजी भाई ही लोग संभालते हैं, बड़े ही साफ़ सुथरे से, बड़े ही प्यार से परोसते हैं, देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत मज़ा आया। सैल्यूट है अपनी आर्मी को, अपने देश की सेना को। और अब हम लोग दोस्तों तो वापस निकलते हैं गैंगटोक के लिए। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से छांगू लेक को घूमा और नाथुला पास को देखा, बहुत ही हम लोग को नया अनुभव रहा भारत और अपने चाइना का बॉर्डर देखना दोस्तों, भारत के सैनिक को देखना और वहाँ की बिल्डिंग को देखना। वहाँ पर गेट बने हुए हैं दोस्तों जो कि भारत और चाइना में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो कि व्यापार होता रहता है। हर सोमवार और मंगलवार को नाथुला पास बंद रहता है दोस्तों, वहाँ पर व्यापार होता है गेट के माध्यम से, इसीलिए आम टूरिस्ट वहाँ पर मंडे ट्यूसडे को नहीं जा पाते हैं, बाकी दिन खुला रहता है। आप जाइए वहाँ पर घूमिए, इंजॉय करिए। तो हमें तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप हमारा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और देखिए रास्ते में पहुँचते पहुँचते हम लोग फिर आ गए हैं चांगू लेक के पास और यहाँ पे भी बारिश हो रही है। देखिए याक, यहाँ पे याक राइडिंग बहुत ही मशहूर है, जो लोग आते हैं याक पर बैठते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो शूट कराते हैं, वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और बहुत ही साफ़ सुथरा ये लेक है, ठंडी वादियों में चारों तरफ पहाड़ियों से, घाटियों से, बर्फ से घिरा हुआ ये जो है कि छांगू लेक हमें बहुत ही पसंद आया दोस्तों। और वाकई में ही सिक्किम का जो टूर हमारा है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा। और हमारा फिर मन करता है कि दोस्तों हम फिर समय निकाल कर एक बार फिर सिक्किम की टूर करें। तो आप भी अगर नहीं जानते हैं सिक्किम के बारे में, नॉर्थ ईस्ट टूर के बारे में, तो आप भी एक बार इस टूर को करिए, सिक्किम आइए, गैंगटोक की यात्रा करिए, साइट सीन लाचेन लाचुंग की यात्रा करिए दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा और वाकई में लगेगा कि हाँ हमने कुछ घूमा है और देखा है ज़िंदगी में कहाँ कहाँ क्या क्या है दोस्तों। बहुत ही अच्छी जगह, अपने इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं घर बैठे, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर घूमिए। और आगे वीडियो में दोस्तों हम अभी आपको दिखाएंगे लाचेन लाचुंग का भी हम टूर पैकेज लिए हैं, वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाएंगे, वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। जो भी दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग लेके। तब तक आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।